Hey, what's up guys? तो पिछले कुछ दिनों में कुछ न्यूज और रूमर्स आए हैं जिनके बारे में आज मैं आपसे इस वीडियो में बात करने वाला हूँ। तो थोड़े छोटे मोटे अपडेट है जिन्हें मैं इस वीडियो में कवर कर देता हूँ। तो सबसे पहला जो अपडेट है वो है एच ब्राउजर की तरफ से। तो इसमें आने वाले विंडोज अपडेट में या वर्जन में एच ब्राउजर को क्रोमियम का बेस दिया जाएगा। क्रोमियम भी एक तरह का क्रोम ही है, बस ये एक ओपन सोर्स ब्राउजर है। तो अब से एच और क्रोम दोनों स्पीड के मामले में एक जैसे ब्राउजर हो जाएंगे। तो देखते हैं नया एच ब्राउजर कैसा रहता है। लेकिन अगर आपको अभी एग्जैक्ट क्रोम जैसे ब्राउजर चाहिए तो वैसे दो ही है, एक है क्रोमियम और एक है क्रोम कैनरी, जिनके लुक और डिजाइन दोनों सेम है और दोनों में क्रोम वाले एक्सटेंशन भी लग जाते हैं। तो अगर इनको आप इंस्टॉल कर लेते हो तो तीन क्रोम आप एक साथ चला पाओगे। तो उनके लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वो अगर आपको वाकई में ऐसे ब्राउजर चाहिए तो आप नीचे जाके देख सकते हो। तो नेक्स्ट अपडेट है एसर लैपटॉप्स के बारे में। तो जितने भी एसर लैपटॉप 2019 में आने वाले हैं उन सभी का एक लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां जाके आप चेक कर सकते हो और देख सकते हो कि आपको कौन सा चाहिए। और जहां तक बात है हेलियोस 300 की, तो ये लैपटॉप अभी तक सेल में नहीं आया है। ऑस्ट्रेलिया और यूएस में 6 मई को ये लैपटॉप मिलने लग जाएगा ऐसी न्यूज थी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। मैंने वीपीएन से वहाँ की ई कॉमर्स वेबसाइट और ऑफिशियल एसर की वेबसाइट को भी चेक किया था, बट इस लैपटॉप का कोई भी अता पता नहीं है। तो सिंपल सी बात है, ये लैपटॉप आपको इस मंथ में देखने को नहीं मिलेगा और इंडिया में इसको आने में 2 से 3 महीने भी लग सकते हैं। तो अगर आप इतना रुक सकते हो तो रुक जाओ या फिर कोई और लैपटॉप देख लो, पर इस वीडियो को एंड तक जरूर देखना, शायद आपको एक लैपटॉप की चॉइस और मिल जाए। तो अगला जो अपडेट है वो MSI की तरफ से। तो MSI के भी GTX 16 सीरीज के लैपटॉप की न्यूज आना शुरू हो गई है। तो अभी MSI का सबसे ट्रेंडिंग बजट लैपटॉप है MSI GL63, जिसे अपडेट कर दिया गया है। पर यहाँ पर दिक्कत यह है कि चाइना में GL63 का 1660 Ti और 1650 वाला लैपटॉप लॉन्च हो चुका है और उसका डिजाइन बिल्कुल पहले जैसा है। MSI ने बस पुराने चेसिस में नए CPU और GPU को लगा दिया है। तो अगर ग्लोबल रिलीज में भी यही लैपटॉप आता है तो मेरे हिसाब से ये इतना हाइप क्रिएट नहीं कर पाएगा, क्योंकि बहुत साल हो गए हैं MSI ने अभी तक अपने लैपटॉप का डिजाइन चेंज नहीं किया है और हर बार रेड एंड ब्लैक मॉडल देखने को ही मिला है, जिससे हम सब लोग बोर हो गए हैं। तो अगला अपडेट है विंडोज 10 1903 के बारे में। तो इस विंडोज का नया एडिशन फाइनली आ चुका है। अभी फिलहाल ये डाउनलोड के लिए अवेलेबल नहीं है, क्योंकि अभी ऑनलाइन फॉरम और स्ट्रीम पर इसके कुछ फीचर्स के बारे में डिस्कस किया जा रहा है। तो यहाँ पर इसी महीने में आपको ये विंडोज डाउनलोड के लिए अवेलेबल हो जाएगी। वैसे तो इसमें बहुत सारे माइनर चेंजेस हैं, जैसे कोर्टाना, विंडोज होम, इमोजी टाइपिंग, गेम मोड और लाइट थीम। तो देखते हैं रिलीज होने के बाद इसमें गेमिंग कैसी रहती है और डिस्क स्पेस कितना लेती है। तो अब बात करते हैं Asus FX505 के बारे में। तो इस लैपटॉप के जो 16 सीरीज वाले मॉडल है वो amazon.com पर फाइनली मिलना शुरू हो गए हैं। तो इस लैपटॉप की स्पेसिफिकेशन और प्राइस बहुत ही रीजनेबल है। तो अगर आप Acer Helios 300 का वेट नहीं कर सकते तो आप इस लैपटॉप को कंसिडर कर सकते हो, क्योंकि ये लैपटॉप बाहर ओपन सेल में आ गया है। बस कुछ ही दिनों की बात है ये लैपटॉप इंडिया में भी आ जाएगा। तो इसमें 1650 वाले वेरिएंट की प्राइस है $899 और 1660 Ti वाले वेरिएंट की प्राइस है $1099। तो प्राइस इनकी डॉलर्स में तो बहुत ही अच्छी है और उम्मीद करते हैं कि इंडिया में भी ऐसे ही रीजनेबल प्राइसिंग रखी जाएगी। तो देखते हैं Asus का ये लैपटॉप किस प्राइस पर यहाँ पे रिलीज होता है। तो जब भी ये रिलीज होगा मैं आपको अपडेट कर दूंगा। तो अगर आपके कुछ सवाल है तो नीचे कमेंट में मुझसे पूछ सकते हो और अगर आपके पास कोई लेटेस्ट अपडेट है तो उसे भी शेयर कर सकते हो। ठीक है गाइस, आज के लिए बस इतना ही। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, थोड़ा ज्यादा पसंद आया तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में।